बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे बैंगन के फ़वाद के बारे में, बैंगन को किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें कैलोरीज की तादाद बहुत कम होती है और इसमें सब्ज़ी में कुदरती तौर पर फाइबर, विटामिन और मादनियात की कसरत से पाए जाते हैं। बैंगन दीगर गजाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट्स की खसूसियात से भी मालामाल होता है। आमतौर पर बैंगन के दो किस्म अकसाम होते हैं, जिनमें एक किस्म बैंगन लंबे और पतले होते हैं जबकि दूसरी किस्म के बैंगन में गोल होते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिससे बहुत सी बीमारियों से लड़ने की खसूसियात मौजूद होती हैं। ये कैंसर जैसे जानलेवा मरीज से बचाव की साथ और दीगर बीमारियों से भी महफूज रखता है। बैंगन के सेहतमंद फवाद। कोलेस्ट्रॉल के खात्मे में मुफीद। बैंगन में वाफर मकदार में फाइबर मौजूद होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को सतह को बरकरार रखने में मदद करता है। एक तहकीक के मुताबिक हुआ है कि बैंगन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैलोरजिन हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मददगार करता है। इसके अलावा जिगर की मरीज की खतरे में भी कम करता है। अगर आप पर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं तो इनके जरिए आप अपनी ग़िज़ा में बैंगन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए मुफीद। अमराज़ कल्ब के लिए अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए मुफीद। बैंगन अमराज़ कल्ब से बचने के लिए भी बहुत मुफीद होता है। बैंगन में पाए जाने वाले फाइबर, विटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन सी, पोटाशियम, दीगर एंटीऑक्सीडेंट दिल की बीमारियों के खतरे से बचाने के लिए रखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक बैंगन दिल के फाल को बेहतर बनाता है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ती हुई सतह को भी कम करता है। लिहाजा अगर आप दिल की बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं तो आप बैंगन का इस्तेमाल लाजमी करें। शुगर को भी कंट्रोल करता है। बैंगन में फाइबर और पॉलीफिनोल काफ़ी मकदार तादाद में पाए जाते हैं। ये दोनों ब्लड शुगर की सतह को कम करने में मददगार साबित होते हैं। बैंगन को शुगर के मरीजों के लिए सेहतमंद ग़िज़ा समझा जाता है। लिहाजा अगर आप शुगर के मरीजों से हैं तो आप ग़िज़ा में बैंगन का इस्तेमाल करना करें, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से रुजू लाजमी करें। एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर। बैंगन में कैंसर से बचाव की खसूसियात में भी मौजूद होती हैं। बैंगन हमारे जिस्म को कैंसर सर जैसे जानलेवा मरीज से बचाने के लिए, अगर किसी कैंसर का मरीज अगर बाहलक हो जाए तो और ये सब्जी इस मर्ज के दोबारा नशोनुमा भी करती है। मौसर ये है कि बैंगन एक सेहतमंद सब्जी है जो हमारी ग़िज़ा में इसके बाकायदगी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसकी किस्माती फरमाइश से मुफीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू वेरी मच।